हे गाइस, आपका स्वागत है एक और वीडियो में। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो मार्वल और डीसी से रिलेटेड सारे लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस, जल्द ही अवेंजर्स अभी तक के सबसे बड़े थ्रेट कैंग को फेस करने वाले हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैंग टू द मैड टाइटन थानोस से भी कई गुना ज्यादा पावरफुल और डेंजरस होने वाला है। तो आप उस वीडियो को चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं। और उसमें मैंने आपको जैसे कि बताया था कि कैंग एक मल्टीवर्सल एंटागोनिस्ट होने वाला है। सो इससे अवेंजर्स को तो ऑब्वियसली थ्रेट है ही, बट ऑल्सो इससे खुद कैंग के वेरिएंट्स को भी बहुत ही बड़ा थ्रेट है। बिकॉज गाइस, ये कैंग्स जो हैं ये लिटरली बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। लाइक इनके सबसे बड़े एनिमी ये खुद ही होते हैं। लाइक किसको पास्ट में जाके रूल करना है, किसको सारे यूनिवर्सेस को कॉन्कर करना है, इवन किसको सारे टाइमलाइंस पे राज करना है। सो इनके डिफरेंट गोल्स के लिए ये अक्सर ही खुद में ही लड़ते मरते रहते हैं। और शायद लोकी सीजन 2 में ही हमें कुछ ऐसा ही देखने मिल सकता है। लाइक हमें कोई मेजर कैंग वर्सेस कैंग फाइट देखने मिल सकता है। बिकॉज एक कैंग तो एंटमैन एंड द वास्प क्वांटम मेनिया में होने वाला है, कैंग द कॉन्करर। और जैसे कि हम जानते हैं कि ही हू रिमेंस के मरने के बाद टीवीए को एक और कैंग ने टेक ओवर कर लिया था। और लोकी सीजन 2 के लीक्ड ट्रेलर में भी हमने उसके स्टैचूज और म्यूरल्स देखे थे। और मुझे लगता है कि एंटमैन 3 और लोकी सीजन 2 का कैंग एक नहीं होगा। लाइक मुझे लगता है कि ये दोनों अलग अलग वेरियंट होने वाले हैं। बिकॉज एंटमैन 3 में हमने देखा था कि कैंग ने अपना पूरा किंगडम बना लिया है क्वांटम रियल्म के अंदर। लाइक उसकी पूरी आर्मी है वहां पे। सो ये इंडिकेट करता है कि ये वाला कैंग बहुत पहले से क्वांटम रियल्म के अंदर है, मे बी इवन बिफोर जेनेट जब क्वांटम रियल्म में ट्रैप थी। सो इसका मतलब डेफिनेटली लोकी सीजन 2 के टीवीए का कैंग एंटमैन 3 वाला कैंग नहीं हो सकता। लाइक ये टीवीए अपने कैंग के बिना इतने दिन कैसे ऑपरेट कर सकती है, लाइक डजंट मेक सेंस। सो डेफिनेटली लोकी सीजन 2 का एक अलग ही कैंग होने वाला है। और गाइस, रूमर्स के हिसाब से एंटमैन 3 के एंड में कैंग क्वांटम रियल्म से बाहर आ जाएगा। सो मे बी ये एंटमैन 3 वाला कैंग लोकी सीजन 2 में दिखाई दे सकता है। और जब ये दोनों कैंग्स मिलेंगे तो डेफिनेटली माहौल तो गर्म होगा ही। लाइक ये दोनों ही रूलर और कॉन्करर्स हैं, सो कोई भी नहीं झुकने वाला। सो मे बी लोकी सीजन 2 में ये दोनों कैंग्स लड़ेंगे और कोई एक कैंग ही सर्वाइव करेगा। एंड ऑल्सो गाइस, अनदर थिंग इज, अवेंजर सीक्रेट वॉर्स के अनाउंसमेंट से जस्ट 2 दिन पहले ही अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के ट्रेडमार्क्स लीक हो गए थे, जिनमें से शांग-ची 2 भी था। और शांग-ची 2 का ट्रेडमार्क था शांग-ची एंड द रेकेज ऑफ टाइम। और ये नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि मूवी टाइम और मल्टीवर्स रिलेटेड होने वाली है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शांग-ची के 10 रिंग्स और कमाला के बैंगल्स शायद कैंग या उसके वेरिएंट्स को ही बिलोंग करते हैं। लाइक कमाला के बैंगल्स में टाइम ट्रैवल और टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी है, और शांग-ची के 10 रिंग्स में इमोर्टैलिटी और मे बी कुछ और भी। सो डेफिनेटली कैंग ने लेने के लिए तो आएगा ही। सो मे बी शांग-ची एंड द रेकेज ऑफ टाइम में कैंग आने वाला है शांग-ची के 10 रिंग्स को हासिल करने के लिए। लाइक मेरे हिसाब से तो सब कुछ कनेक्ट कर रहा है, बट आपके क्या थॉट्स है लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें, और ऐसे ही सारे लेटेस्ट अपडेट्स, न्यूज और थ्योरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। सो हास्ता ला विस्ता एंड टेक केयर।